If A, B, C are in HP, then show that A minus B over B minus C is equal to A upon C. So let's see how we are going to solve this problem. So chaliye start karte hain. In the question, it is provided that A, B and C are in HP. HP means that is harmonic progression. और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अगर अपन बात करें तो इट कंटेन ए प्रॉपर्टी दैट इफ दे आर इन एचपी इफ एबीसी आर इन एचपी देन वन अपॉन ए वन अपॉन बी एंड वन अपॉन सी आर इन एपी मींस अगर आपके पास कुछ टर्म्स हैं जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और अगर आप उन टर्म्स का रेसिप्रोकल करके जो नई सीरीज जनरेट करेंगे वो हमेशा एक एपी जनरेट करती है. अब आप जानते होंगे कि अगर तीन टर्म्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है सपोज फर्स्ट टर्म पी है अगला टर्म क्यू है और थर्ड टर्म आर है इफ दे आर इन एपी देन इजीली वी कैन राइट डाउन दैट क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू के मींस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी के. अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा a minus b divided by ab and this is your b minus c divided by bc k or we can write down b minus c over a minus b and this is equal to bc upon ab. आप यहाँ पे easily check कर सकते हैं कि ये b से b आपका cancel हो रहा है and after cancellation we can claim that b minus c over a minus b is equal to c upon a and finally this is the expression which we have to prove in the given problem. If a b c are in hp then show that a minus b upon b minus c is equal to a upon c. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर तीन टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन है में है तो उसके लिए कंडीशन क्या है. तो चलिए बात कर लेते हैं. देखिए इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन ठीक है तीन टर्म्स हैं जो कि एचपी में है और एचपी इस कंडीशन को मेंटेन करता है कि अगर मैं इन टर्म्स के रेसिप्रोकल को ले लूं जैसे वह ए है तो ए का रेसिप्रोकल वन अपॉन ए होगा बी का रेसिप्रोकल वन अपॉन बी होगा और सी का रेसिप्रोकल वन अपॉन सी होगा. अगर ए बी सी एचपी में है देन वन अपॉन ए वन अपॉन बी एंड वन अपॉन सी आर इन ए बी तो इन तीनों टर्म्स के जो रेसिप्रोकल है वो एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जनरेट करेंगे और अगर ये ए पी जनरेट कर रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कि टू अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी के और वी कैन से बी इज योर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. In the question, we have to prove that a minus b over b minus c is equal to a upon c. We have to prove this expression or hum ye condition use kar sakte hain ki b ki value 2ac upon a plus c ke barabar hai. Aapko yahan pe ek cheez notice karna chahiye ki right hand mein b ka term maujood nahi hai. So it suggests you ki aap ye jo b ki value hai, wo value left wale expression mein use karna chahiye. To hum log ise likh sakte hain a minus that is 2ac divided by a plus c divided by 2ac upon a plus c minus c के. अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है a into a plus c minus 2ac divided by a plus c that is a numerator part. डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 2ac minus c into a plus c and divided by a plus c के. यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये a प्लस सी से a प्लस सी आपका कैंसिल हो रहा है और अब ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ए सी माइनस टू ए सी दैट इज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको मिलेगा 2 ए सी माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर के या फिर आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ए सी दैट इज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं ए सी माइनस सी स्क्वायर और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ये आपको मिलेगा a अपॉन c एंड विच इज द राइट हैंड पार्ट फॉर द गिविंग क्वेश्चन.